हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सविता एंड नलिन व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कचनार यानी कि करियाली का अचार। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने ये कचनार को अच्छे से साफ़ कर लिया है, उसके बाद हमने इसको धो भी लिया है। देखिए, धोने के बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट और फ्रेश हो गई है। अब हम इसे अचार बनाने के लिए सबसे पहले बॉईल करेंगे, और बॉईल करने के बाद मैं आपको बताता हूँ इसमें हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये कढ़ाई में पानी रख दिया है। आप चाहे पतीला, भगोना, कुछ भी आपके पास हो उसमें आप रख सकते हैं। हम इसमें कचनार को बॉईल करेंगे। जैसे ही पानी गर्म होगा हम इसमें कचनार को ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, पानी हमारा थोड़ा गर्म हो गया है, अब हम इसमें कचनार को डाल रहे हैं बॉईल होने के लिए, और इसे हमें अच्छे से बॉईल करना है। पार बॉईल, थोड़ा बॉईल नहीं करना है, पूरा इसको उबालना है अच्छे से, फिर ताकि इस ये नरम पड़ जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से बॉईल हो गई है। अब हम इसको 1 से 1.5 मिनट और बॉईल करेंगे, और उसके बाद हम इसे गैस को बंद कर देंगे इसकी, और उसके बाद इसे सुखाएंगे। कम से कम एक दिन धूप लगवाएंगे अचार के लिए। फ्रेंड्स, ये देखिए, अब ये हमारी कचनार जो है वो बॉईल हो गई है। अब हम इसे ड्रेन करके धूप में सूखने के लिए रखेंगे, और करीब एक दिन तक इसको सुखाएंगे अच्छे से, ताकि इसका पानी जो है वो बिल्कुल धूप में ख़त्म हो जाए और ये ड्राई हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको ड्रेन कर लिया है। अब हम इसे धूप में सुखाएंगे, और फिर उसके बाद का प्रोसीजर आपको बताते हैं क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको धूप में अब सूखने रख दिया है। अब इसे हम आज पूरा दिन धूप लगवाएंगे और फिर इसका अचार प्रिपेयर करेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, अब एक दिन की धूप के बाद ये कचनार का कलर कुछ इस तरह से हो गया है, चेंज हो गया है। अब हम इसका अचार प्रिपेयर करेंगे। पहले हम इसे तड़का लगाएंगे, और उसके बाद इसमें जो इंग्रेडिएंट्स ऐड होने हैं वो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। सो फ्रेंड्स, तड़के के लिए हमने कढ़ाई रख दी है, और इसमें हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। और मस्टर्ड ऑयल भी हम थोड़ा नहीं डालेंगे, इसमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मस्टर्ड ऑयल डालना है, क्योंकि अचार टिकेगा तभी जब उसमें अच्छा तेल होगा, नहीं तो हमारा अचार ख़राब हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें अच्छी क्वांटिटी में मस्टर्ड ऑयल डालना है, और अब इसको हम अच्छे से पहले जला लेंगे, तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। फ्रेंड्स, पहले हमें तेल को अच्छे से गर्म करना है, जला लेना है, उसके बाद हमें इसे थोड़ा ठंडा करना है, फिर हम मसाले ऐड करेंगे। गरम गरम में नहीं डालेंगे, क्योंकि मसाले जल जाएंगे, तो मसालों का जो फ्लेवर है वो नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें पहले इसको अच्छे से गर्म करना है, फिर उसको ठंडा होने देना है। फ्रेंड्स, ये देखिए, अब तेल गर्म होने लगा है। अब इसको मैं पूरा गर्म करके फिर ठंडा करूँगा। फ्रेंड्स, ये देखिए, अब तेल अच्छे से गर्म हो गया, हमने चेक कर लिया एक मेथी दाना डाल के। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे पहले। फ्रेंड्स, अब तेल का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हुआ है, अब हम इसमें मसाले ऐड करना शुरू करेंगे। देखिए, ये हमने मेथी डाल दी है, मेथी दाना, उसके बाद डालेंगे हम जीरा, जीरे के बाद हम डालेंगे मीठी सौंफ, मीठी सौंफ के बाद डालेंगे हम इसमें अजवाइन, फिर डालेंगे हम इसमें हल्दी पाउडर, और नमक। नमक थोड़ा ज़्यादा रखते हैं फ्रेंड्स अचार में, क्योंकि अचार का टेस्ट और भी अच्छा आता है। अगर नमक कम हो तो अचार का टेस्ट नहीं आता है। और लास्ट में डालेंगे हम इसमें हींग, और अच्छे से इन मसालों को मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारे कोई भी मसाला जल नहीं रहा है, क्योंकि हमने इसको टेम्परेचर को लो कर दिया है तेल के। अगर हम गरम गरम खौलते तेल में डाल देते तो अभी तक जीरा और हल्दी जो है वो काली हो जाती बिल्कुल। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये मसाला तैयार हो गया तेल में। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी कचनार, ये देखिए, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे पूरा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, और हमें तेल भी नज़र आ रहा है। अगर तेल नहीं डालेंगे तो ये ड्राई सा रह जाएगा, और ये अचार कुछ अच्छा नहीं बनेगा, खाने में मज़ा भी नहीं आएगा। अब फ्रेंड्स, देखिए, तेल का टेम्परेचर काफ़ी डाउन आ गया है कचनार डालने के बाद, तो हमने गैस ऑन कर दी है, और 2 से 3 मिनट अब हम इसे पकाएंगे।
जब तक फ्रेंड्स ये पक रहा है तब तक हम इसका सिरके वाला मसाला तैयार कर लेते हैं जो हमें इसमें डालना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, हमने एक बाउल ले लिया है। बाउल में हम सबसे पहले डालेंगे सिरका। सिरका डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे राई, पिसी हुई राई डालेंगे, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे शक्कर। शक्कर फ्रेंड्स थोड़ी सी मिठास के लिए, क्योंकि ये अचार थोड़ा खट्टा मीठा बनता है, तो खटास के लिए हमने इसमें सिरका और राई डाल दी है, और मिठास के लिए हमने शक्कर डाल दी है इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। ये मिक्सचर तैयार करके फिर हम बाद में इसको ऐड करेंगे अपनी कचनार में। फ्रेंड्स अब ये हमारी देखिए पकने लग गई है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मिर्च, क्योंकि मिर्च हमने पहले नहीं डाली ताकि मिर्च जले ना, और ऊपर से डालने से मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने मिर्च डाल दी है अब इसमें। अब ये बन गया हमारा चटपटा अचार। फ्रेंड्स आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, और हमें बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये कैसा लगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये मिक्स कर दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये पक चुका है। हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, ज़्यादा पकाएंगे तो ये गल जाएगा, तो ये थोड़ा सा खड़ा खड़ा अच्छा लगता है अचार। ये देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि हमने पहले कचनार को बॉईल भी किया हुआ है और अब इसमें पका भी लिया अच्छे से। अब हम गैस को कर देंगे बंद। अब फ्रेंड्स इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, और करीब इसको 1 से 1.5 घंटा लग जाता है बिल्कुल ठंडा होगा। उसके बाद जो हमने राई और शक्कर और सिरके का मिक्सचर बनाया था वो हम इसमें ऐड करेंगे जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, नहीं तो वो टेस्ट नहीं देगा अपना। तो वेट करते हैं फ्रेंड्स, और हम आपको मिलते हैं इसके ठंडा होने के बाद। सो फ्रेंड्स, अब देखिए आप, ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। हमने इसको करीब 1 से 1.5 घंटा रखा था ठंडा होने के लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना सिरके वाला जो हमने घोल बनाया है। ये देखिए, इसको इस तरह से ठंडे होने पे बिल्कुल ऐड कर दीजिए, और अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स हम इसे करीब 1/2 घंटा और छोड़ेंगे ताकि अच्छे से सारी कचनार में ये मिक्स हो जाए, और मिक्स होने के बाद फिर हम इसको जार में डालेंगे। और जार भी हम कांच का यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। आप भी चाहें तो कांच का ही यूज़ करें, प्लास्टिक में ना यूज डालें इसको, क्योंकि प्लास्टिक में अचार ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कांच का या मिट्टी का मर्तबान जो आता है उसमें ही डालें। सो फ्रेंड्स, अब देखिए 1 घंटा हो चुका है, सारी कचनार जो है वो अच्छे से मिक्स हो गई है, और इसमें सारा फ्लेवर जो है वो आ गया होगा अब तक। अब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे जार में। फ्रेंड्स इस अचार की लाइफ करीब 1 साल होती है, और आप चाहें तो इसको थोड़ा सा धूप भी लगवा सकते हैं। धूप लगाने से भी इसको अचार को ख़राब होने के चांसेस कम होते हैं। और इसे कहीं भी मॉइस्चर वाली जगह पे ना रखें, ऐसी जगह रखें जहाँ पे बिल्कुल ड्राई हो। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा अचार बिल्कुल तैयार है। हमने इसको बर्नी में डाल दिया है। ये देखिए इसका मसाला जो है नीचे बैठ गया है। जब भी आपको खाना हो तो इसको हिला के निकाल के आप खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और रेसिपी ट्राई करने के बाद हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको ये किस तरह का लगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।